हेलो नमस्कार दोस्तों, और आप देख सकते हैं मेरे पास एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है जो कि मेरे सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus के लिए है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 268 MB का ये अपडेट है और इसमें सिक्योरिटी पैच 1 जनवरी 2023 का है, कुछ इस तरह से है। दोस्तों फिलहाल ये मेरा डिवाइस है जो 5G है और मेरे एरिया में 5G अवेलेबल है, तो इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको। मैं गया MyJio ऐप में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हैं गेट ऑन ए 5G डिवाइस का मतलब ये मेरा डिवाइस है 5G के लिए कंपेटेबल नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं अपग्रेड टू ए 5G कंपेटेबल डिवाइस। मैं चेक कवरेज की आपको बता देता हूँ और मैं सही टाइप करता हूँ यहाँ पे MP। अब देख सकते हैं ग्वालियर में अवेलेबल है 5G, जो कि मेरे में नहीं है। आप ऊपर देख सकते हैं LTE लिखा हुआ आ रहा है और मैंने इसको 5G पर सेलेक्ट भी किया हुआ है आपके सामने। आप यहाँ देख सकते हैं 5G LTE WCD में GSM ऑटो कनेक्ट, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ये 5G नहीं आ रहा है इसमें, तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे जो प्रॉब्लम है वो है बैंड की, क्योंकि इसमें बैंड नहीं है। आपको दिखा देता हूँ एक बार चेक करके। आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों ये N41 एंड N66 एंड N71 यहाँ पर बैंड है 5G के, जो कि इंडिया में वर्क नहीं करते। इंडिया में जो बैंड है वो दो हैं सबसे, जो आपके डिवाइस में होना चाहिए उसमें एक N78 है और एक N28 है, जो कि आपके डिवाइस में होना चाहिए, फिलहाल मेरे में नहीं है। दोस्तों ये प्रॉब्लम है दोस्तों, फिलहाल जो अपडेट आया हुआ है शायद इससे अगर 5G चले तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि 5G इसमें चलेगा क्योंकि इसमें बैंड सपोर्ट नहीं है। तो चलिए एक बार इसको अपडेट कर लेते हैं और अपडेट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए मैं इसको अभी अपडेट पर लगा देता हूँ आपके सामने, तो मैं डाउनलोड में लगा देता हूँ इसको और ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 1 मिनट का टाइम बता रहा है, 59 सेकेंड हो गई इसमें। अभी 54, 53, 52, 51, 49, 48, 50। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं, अगर आप कौन सा भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो किसी भी कंपनी का, उसमें अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप अपने मोबाइल की बैटरी 50% 50% ऊपर रखें तभी उसको अपडेट करें। मैं फ़िलहाल इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और मैं अभी इसको चार्जिंग पर लगाऊंगा जाके, और चार्जिंग पर लगाने के बाद फिर मैं दोस्तों इसको अपडेट करूँगा। फ़िलहाल अभी मैं इसको ओनली डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, इंस्टॉल अभी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरे डिवाइस में आप देख सकते हैं ऊपर 29% बैटरी है जो कि इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से, और अभी आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ, और आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कुछ जानकारी दी गई है। तो आप दोस्तों अगर अपडेट करते हैं अपने डिवाइस को तो आप ये जानकारी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें 5G वर्क किया या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी वीडियो देखने के लिए। फिलहाल दोस्तों मैं इसको अपडेट करने के बाद मिलता हूँ 5G वर्क किया या नहीं किया, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो वीडियो दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।